तो न्यू चैप्टर लेते हैं हम रासायनिक सामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जनरली अपन छह प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्क्रमणीय क्रियाएं। रिवर्सिबल रिएक्शंस उत्क्रमणीय क्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उत्क्रमणीय क्रियाएं क्या होती हैं? जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र एवं प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती हैं ये क्रियाएं। दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र दिशा में भी चलती है और पृष्ठ दिशा में भी चलती हैं। इनको ऐसे दो अर्ध तीरों के द्वारा दर्शाते हैं, दो हाफ एरो से दर्शाते हैं, दो अर्ध तीरों से दर्शाते हैं। ये बंद पात्र में होती हैं, बंद पात्र में होती हैं, क्लोज सिस्टम में होती हैं, कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये कभी पूर्ण नहीं होती हैं। उत्क्रमणीय क्रिया रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो अग्र एवं प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती हैं, बंद पात्र में होती हैं, कभी पूर्ण नहीं होती हैं और इनको दो अर्ध तीरों द्वारा दर्शाते हैं। ये जो सामान्यतः गैसीय पदार्थों की क्रियाएं होती हैं, जो उत्क्रमणीय होती हैं, गैसीय सब्सटेंस के होती हैं, तो उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी? जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है, मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम, बंद पात्र में होती है, नेवर बी कंप्लीट, कभी पूर्ण नहीं होती है। जनरली गैसियस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, गैसीय पदार्थों की क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये एक उत्क्रमणीय क्रिया है। H2 और I2 HI बनाते हैं, HI वापस H2 और I2 में टूट जाता है, जैसे PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये गैस है, गैस है, गैस है, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, ये गैस, गैस, गैस। तो इस तरीके से होती है हमारे पास उत्क्रमणीय क्रियाएं, जो सामान्यतः गैसीय पदार्थों की क्रियाएं होती हैं, जो ये उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। वो दूसरी हमारे पास होती है अनुत्क्रमणीय क्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये केवल अग्र दिशा में होती हैं, मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, केवल अग्र दिशा में होती हैं, मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये खुले पात्र में होती हैं, टेक्स प्लेस इन ओपन सिस्टम, खुले पात्र में होती हैं, निश्चित समय में पूर्ण होती हैं, कंप्लीट्स इन पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय में पूर्ण होती हैं। तो जो क्रिया केवल अग्र दिशा में चलती हैं, मतलब क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाते हैं, वो हमारे पास होती हैं अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। ये खुले पात्र में होती हैं और निश्चित समय में पूर्ण होती हैं, जैसे 2KClO3, इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा 2KCl प्लस 3O2, ऑक्सीजन गैस है जो बाहर निकल जाएगी क्योंकि खुले पात्र में क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो इससे वापस क्रिया कर नहीं पाएगी, वापस ये बनेगा नहीं, एक ही दिशा में क्रिया चलेगी,
जैसे जिंक प्लस CuSO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu। अब जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को हटा के ZnSO4 बना देता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है, इसलिए यह क्रिया केवल अग्र दिशा में ही चलती है। तो ये हमारे पास होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया। तो अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अपने समझ में आ गया। तीसरी क्रिया हमारे पास आती है ऊष्मा शोषी क्रियाएं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऊष्मा शोषी क्रियाएं, नाम से पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण करती हैं, मतलब इनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दीज रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर कंप्लीशन। ऊष्मा शोषी क्रियाएं क्या होती हैं, जिनको पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, शोषण करती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। चौथी क्रिया हमारे पास होती है इसमें ऊष्मा क्षेपी। क्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इनको पूर्ण, ये पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। ये क्या करती हैं, पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। ऊष्मा शोषी क्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ये पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्सर्जित करती है, रिलीज एनर्जी आफ्टर कंप्लीशन, पूर्ण हो जाएगी ऊष्मा देती है ये, इनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये ऊष्मा देती है, ठीक है, इनको चाहिए ये देती है। तो ये ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अब पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सी क्रिया ऊष्मा शोषी है और कौन सी क्रिया ऊष्मा क्षेपी है, उसके लिए ट्रिक बताते हैं हम लोगों को। पहचान कैसे करेंगे कि क्रिया ऊष्मा शोषी है ऊष्मा क्षेपी है, आइडेंटिफिकेशन पहचान। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यदि आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, मतलब उत्पाद की तरफ, आरएचएस राइट हैंड साइड उत्पाद की तरह, मतलब क्रिया में आगे क्रियाकारक होते हैं पीछे उत्पाद होते हैं, उत्पाद की तरह पीछे की साइड में उत्पाद के साथ प्लस में कुछ ऊर्जा लिखी हुई है, एनर्जी लिखी हुई है, प्लस में प्रोडक्ट के साथ, उत्पाद के साथ प्लस में एनर्जी लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकली, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकली, इसलिए क्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यदि ऐसा हो आरएचएस राइट हैंड साइड वही मतलब उत्पाद की तरफ माइनस में कुछ ऊर्जा लिखी हो, इसका मतलब उत्पाद के साथ ऊर्जा की हानि हुई है, माइनस में ऊर्जा की हानि हुई, मतलब ऊर्जा अपने काम आई है, तो ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, इसलिए क्रिया कैसी हो जाएगी ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यदि उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा हो तो क्षेपी रिएक्शन होगी, माइनस में ऊर्जा हो तो शोषी रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन, यदि उत्पाद के साथ नहीं दे रखा हो, अलग से दे रखा हो, कि यदि डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव हो,
धनात्मक डेल्टा एन का मान, डेल्टा एन डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच का मान धनात्मक हो तो क्रिया ऊष्मा शोषी होगी। यदि डेल्टा एन का मान धनात्मक हो तो क्रिया ऊष्मा शोषी होगी, और यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो तो क्रिया छेपी होगी, एक्सोथर्मिक। यदि डेल्टा एच धनात्मक है तो क्रिया ऊष्मा शोषी होगी, डेल्टा एच ऋणात्मक है तो क्रिया ऊष्मा छेपी होगी। ये 2019 में पूछा है क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन था ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होता है धनात्मक ऋणात्मक, कोई नहीं, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, तो धनात्मक होता है। 2019 में क्वेश्चन था ये कि ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होता है, आंसर क्या गया, धनात्मक। ठीक है, तो डेल्टा एच का मान यदि धनात्मक है तो क्रिया ऊष्मा शोषी, और ऋणात्मक है तो क्रिया ऊष्मा छेपी होगी। जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा ये अपने पास, ए प्लस बी बना रहा सी प्लस डी, ए प्लस बी ने क्रिया करी सी प्लस डी बनाया, इसके साथ में 25 किलो कैलोरी ऊर्जा निकली। इसका मतलब देखें, उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा लिखी हुई है, उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा है तो उस निकल रही है, मतलब क्रिया ऊष्मा छेपी हो गई। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ऊष्मा छेपी। यदि ऐसा दे रखा हो अपने को जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 और डेल्टा एच दे दे कि -46.1 किलो जूल प्रति मोल अलग से, तो डेल्टा एच का दे दिया ऋणात्मक नेगेटिव, डेल्टा एच ऋणात्मक है नेगेटिव है तो कैसी होगी, छेपी होगी। तो ये क्रिया भी कैसी हुई, छेपी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो कैसे पहचानेंगे क्रिया, इसके अलावा एक और कंडीशन वो बताएंगे कैसे क्रिया पहचानेंगे, यदि उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा हो तो छेपी, माइनस में हो तो शोषी। उत्पाद के साथ नहीं दे रखा हो, अलग से ब्रैकेट में डेल्टा एच का मान दे रखा हो तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव धनात्मक है तो शोषी, और डेल्टा एच का मान नेगेटिव ऋणात्मक है तो छेपी होगी। इस तरीके से पहचान पाएंगे क्रिया। अभी यदि अपने को ऊष्मा के बारे में कुछ नहीं कहे, ठीक है, मतलब ना तो आपको वो उत्पाद के साथ में कोई प्लस माइनस में ऊष्मा दे, ना ही वो आपके पास कोई डेल्टा एच के रूप में दे, मतलब आपको ऊष्मा बिल्कुल दिखाए ही नहीं, और क्रिया आपके सामने आके खड़ी हो जाए और बोले बताओ मैं कैसी ऊष्मा दूंगी या ऊष्मा लूंगी, तो आप लोग क्या करोगे, उसको बोलोगे तेरा डेल्टा एन दिखा, उसका डेल्टा एन निकालोगे आप, क्या निकालोगे, डेल्टा एन। यदि उस क्रिया का डेल्टा एन जीरो या प्लस में आए तो वो लेगी ऊष्मा, और यदि डेल्टा एन का मान क्या है माइनस में आए तो देगी ऊष्मा। तो यदि ऊष्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो डेल्टा एन बराबर जीरो या पॉजिटिव धनात्मक, मतलब क्रिया ऊष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक, और यदि डेल्टा एन क्या है नेगेटिव ऋणात्मक तो क्रिया छेपी होगी, एक्सोथर्मिक। अब डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन क्या होता है, जो क्रिया है उसमें उत्पाद के कितने अणु हैं, उसमें से क्रियाकारक के अणु घटाने हैं, तो
उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के कुल मोल, उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के कुल मोल, मतलब टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इससे निकालेंगे डेल्टा एन। देखो कैसे निकालेंगे अपन, जैसे अपने को उसने क्रिया दी एन टू प्लस ओ टू इक्वल्स टू टू एन ओ, ये एक क्रिया है, इसमें अपने को डेल्टा एन निकालना है, इसमें पता करना है कि क्रिया उष्मा शोषी है कि छेपी, तो डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, उत्पाद के कितने मोल हैं, आगे की संख्या देखनी है मोल के लिए, नीचे की नहीं देखनी है, इसके आगे कितनी संख्या है, दो, उत्पाद के दो मोल हैं, अच्छा क्रिया कारक के एक O2 का है और एक N2 का है, नीचे नहीं देखना है आगे देखना है मोल देखने के लिए, ठीक है, एक मोल O2 का और एक मोल N2 का, नीचे देख लोगे तो चार हो जाएंगे, तो नीचे नहीं देखना आगे देखना, एक O2 और एक N2, टोटल कितने हो गए दो, तो दो माइनस दो बराबर जीरो, तो डेल्टा का मान जीरो आया, जीरो आया तो क्रिया ऊष्मा शोषी हो गई एंडोथर्मिक। फिर जैसे और मैं एग्जांपल इधर ले लूं कि PCl5 बना रहा PCl3 प्लस Cl2, PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए डेल्टा एन का मान निकालना है, उत्पाद के मोल कितने हैं, एक PCl3 और एक Cl2, आगे देखना है एक और एक दो, माइनस एक PCl5 है तो एक, कितना आया एक, एक आया मतलब प्लस का आया, प्लस का है तो क्रिया कैसी हुई शोषी। फिर जैसे हम बात करें N2 plus 3H2 equals to 2NH3, इसके लिए डेल्टा N निकालें तो उत्पाद के मोल कितने हैं दो, क्रिया कारक के तीन और एक चार, माइनस दो आए, माइनस में आया मान तो ये क्रिया कैसी हो गई छेपी एक्सोथर्मिक। इस तरीके से यदि ऊर्जा नहीं दे रखी हो तो अपने को निकालना पड़ेगा डेल्टा एन, डेल्टा एन जीरो आए या प्लस में आए तो उष्मा शोषी होगी और माइनस में आए तो उष्मा छेपी होगी। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इससे निकालेंगे डेल्टा एन, और जीरो या प्लस में आ रहा है तो शोषी और माइनस में आ रहा है तो छेपी। पांचवा प्रकार की हमारे पास क्रिया आती है समांगी क्रियाएं, समांगी क्रियाएं होमोजीनस। तो समांगी में क्या होता है, जिसमें क्रिया कारक एवं उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, मतलब या तो सारे क्रिया कारक उत्पाद सारे गैस हों या सारे द्रव हों या सारे ठोस हों, तो क्रिया कारक एवं उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में, या तो सारे गैस हों या तो द्रव हों या तो सारे के सारे ठोस हों। समांगी क्रियाएं क्या होती है, जिनमें क्रिया कारक एवं उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं वो समांगी क्रियाएं होती हैं, जैसे C
CH3COOC2H5 इसका जल अपघटन करवाएं, तो ये लिक्विड है, द्रव है, ये भी लिक्विड है, द्रव है, CH3COOH+C2H5OH, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, लिक्विड है। एसिटिक एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल ये सारे द्रव हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए इसे समांगी अवस्था की क्रिया कहेंगे अपन। जैसे अपन H2+I2=2HI, ये गैस है, गैस है, गैस है, ये समांग अवस्था की क्रिया होगी। तो किसी एक ही भौतिक अवस्था में जो अपन समांग अवस्था की क्रिया कहेंगे। और छठवें प्रकार की जो क्रिया है वो है विस्मांगी क्रिया है। हेटेरोजिनस रिएक्शंस, विस्मांगी क्रिया है, हेटेरोजिनस रिएक्शंस। इसमें विस्मांगी में क्या होगा, अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं, कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा, कोई गैस होगा, तो ये अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं ये विस्मांगी क्रियाएं अपने पास कहलाती हैं। जैसे C+O2=CO2, तो ये ठोस है, ये गैस है, ये गैस है, अलग अलग भौतिक अवस्था है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो CaO+CO2, ये ठोस है, ये ठोस है, ये गैस है, अलग अलग अवस्था में तो उसे अपन विस्मांगी क्रिया कहेंगे। एक जैसी अवस्था में तो समांगी, अलग अलग है तो विस्मांगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होता है, देखो कोई भी क्रिया होती है, क्रिया होती है तो उसमें क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं और वो उत्पाद बनाते हैं। कोई भी क्रिया होती है तो उसमें क्रिया कारक क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर उत्पाद के बनने की दर के बराबर हो जाती है। मतलब क्रियाकारक जितनी मात्रा में उत्पाद बनाते हैं उतने ही उत्पाद क्रियाकारक में टूट जाते हैं। उस अवस्था को रासायनिक साम्यावस्था या साम्यावस्था कहते हैं। मतलब किसी क्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्रक्रिया का वेग या दर उसके पश्च क्रिया के वेग या दर के बराबर हो जाता है। तो साम्यावस्था पर क्या होता है, अग्र क्रिया की दर बराबर पश्च बोले या प्रतीक बोले एक ही बात है, प्रतीक अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र क्रिया की दर बराबर पश्च या प्रतीक क्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो किसी क्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र क्रिया की दर उसकी पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाए उसे अपन कहते हैं साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था पर क्या होता है कि क्रियाकार उत्पाद दोनों की दर आपस में क्या हो गई, बराबर। तो वहां पर क्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है क्रिया रुक गई लेकिन वो रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। इसलिए रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए काइनेटिक इक्विलिब्रियम, एक गतिक साम्य है। तो साम्य अवस्था पर क्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है लेकिन रुकती नहीं है, ऐसा लगता है रुक गई है लेकिन रुकती नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक गतिक साम्य है। साम्य अवस्था क्या है, एक गतिक साम्य है। अब अपन आगे इसमें जिससे बात करते हैं,
सक्रिय द्रव्यमान। अगला पॉइंट आता है सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता। एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। देखो क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान कि एक लीटर आयतन में घुले हुए किसी पदार्थ के मोलों की संख्या सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। एक लीटर आयतन में किसी पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, तो एक लीटर आयतन में घुले हुए किसी पदार्थ के मोलों की संख्या सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या हुआ फिर, सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोल, कितने मोल है वो, अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो सक्रिय द्रव्यमान का क्या सूत्र हो गया, पदार्थ के मोलों की संख्या और उसमें आयतन का भाग दे देंगे तो सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा, पदार्थ के मोल बटे बिलियन का आयतन। अब जनरली मोल कैसे निकालते हैं अपन, पदार्थ के मोल बराबर जिस पदार्थ के मोल निकालने हैं उसका द्रव्यमान लेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान या वजन बटे उसका अणुभार। तो पदार्थ के द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। अणुभार निकालने का अपने तरीका बता रखा है कि परमाणु क्रमांक सम संख्या में तो परमाणु भार दुगना और विषम संख्या में तो दुगने से एक ज्यादा। तो पदार्थ के मोल पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार। अच्छा अब इस मोल की जगह अपन ये सूत्र रख दें तो सक्रिय द्रव्यमान का फाइनल सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के पदार्थ का द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार इनटू आयतन लीटर में। अब आयतन यदि ml में दे रखा हो, लीटर में नहीं दे रखा हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। तो मेन क्वेश्चन अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला सूत्र आपको ध्यान रखना रहेगा, सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन आयतन इनटू अणुभार इनटू आयतन लीटर में। अच्छा एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ठोस सॉलिड एवं द्रव पदार्थों का सक्रिय द्रव्यमान एक होता है। ठोस एवं द्रव पदार्थों का सक्रिय द्रव्यमान सदैव एक होता है, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना कि पदार्थ ठोस है कि द्रव है। तो ठोस या द्रव पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान का मान सदैव एक होता है, मतलब सक्रिय द्रव्यमान जो निकाले हम गैसों के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, गैसों के लिए निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन की बात करें तो 8 ग्राम हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस का 2 लीटर में सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, 2 लीटर आयतन में सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। 8 लीटर हाइड्रोजन गैस है, सॉरी 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 2 लीटर आयतन है, सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अपन, पदार्थ का द्रव्यमान
बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है 8 ग्राम। अब हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो परमाणु भार भी 1। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2। जोड़ देते हैं तो अणुभार आ जाएगा, तो 1 और 1 2। और आयतन कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 8/4 मोल प्रति लीटर। इसकी जो सक्रिय द्रव्यमान की जो इकाई होती है, इकाई वो होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। जैसे आपको क्वेश्चन बोले वो 48 ग्राम ऑक्सीजन का 6 लीटर में, सक्रिय द्रव्यमान अपने को पता करना है, तो इसका सक्रिय द्रव्यमान अपन निकालेंगे, तो द्रव्यमान कितना दे दिया? 48 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 समसंख्या, समसंख्या में दुगना होता है, इसलिए 8 × 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, O2 का अणुभार 32, आयतन 6 से 48 8 बार कट जाएगा, 8 से 32 4 बार कट जाएगा, 1/4 मतलब 0.25 मोल प्रति लीटर। जैसे आपको बोले वो कि 70 ग्राम नाइट्रोजन का 5 लीटर आयतन में सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो इसमें अपन सक्रिय द्रव्यमान निकालें, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है? ग्राम। अब नाइट्रोजन का अपवाद है अणुभार के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार 7 ही होता है, परमाणु क्रमांक 7, तो अणुभार मतलब परमाणु भार 14, 1 का 14 2 का 28, तो ये 28 इंटू 5, 5 से 14 बार कट गया 70, 14 से 28 2 बार कट गया, 1/2 मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से हम सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता निकाल सकते हैं। उस पदार्थ का द्रव्यमान में अणुभार का भाग दे के आयतन से गुणा कर लेंगे, सक्रिय द्रव्यमान आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आ रहा है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो अपन बात करते हैं, जानते हैं कि क्रियाकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। जितना तेजी से क्रियाकारक क्रिया करेंगे उतने ही तेजी से उत्पाद बनेंगे। अच्छा, जितने ज्यादा क्रियाकारकों की मात्रा होगी क्रिया भी उतनी तेजी से होगी, क्रियाकारक कम होंगे तो क्रिया धीमी होगी, तेज होंगे ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगी। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक क्रिया की क्रिया करने की दर, किसी रासायनिक क्रिया की क्रिया करने की दर उसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। किसी रासायनिक क्रिया की क्रिया करने की दर उसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब सीधी सी बात हो गई, क्रिया की दर निकालनी है तो उसके क्रियाकारकों की सांद्रताओं को गुणा कर लो, जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रताओं को गुणा कर लो, उसके समानुपाती होती है। जैसे कि कोई क्रिया है हमारे पास A प्लस बी बना रही है C प्लस डी, ये अग्र क्रिया है AB,
यह पश्च क्रिया है। अग्र और पश्च क्रिया है। अब अग्र क्रिया की क्रिया करने की दर क्या होगी? उसको RF से कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये समानुपाती होती है क्रियाकारों की सांद्रता के। क्रियाकारक में कौन है? A और B। तो A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। अगर क्रिया की क्रिया करने की दर समानुपाती हो गई A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ RF बराबर KF A इंटू B। इसको समीकरण एक दे दिया मैंने, और यहाँ पर KF क्या है? अग्र क्रिया का दर नियतांक या वेग स्थिरांक A की बात है। अग्र क्रिया का दर नियतांक या वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K है। इसी तरीके से पश्च क्रिया के लिए बात करें हम, पश्च क्रिया की क्रिया करने की दर मतलब RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समानुपाती। पश्च क्रिया में कौन है? C और D। C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो स्थिरांक आएगा। आर बी बराबर क्या हुआ? के बी सी इंटू डी। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया दो, और यहाँ पर के बी क्या है? पश्च क्रिया का वेग नियतांक या दर स्थिरांक। तो अग्र क्रिया की दर क्या हो गई? आर एफ बराबर के एफ ए इंटू बी। पश्च क्रिया की दर हो गई आर बी बराबर के बी इंटू सी इंटू डी। अब आप जानते हैं साम्य अवस्था पर क्या होता है, अग्र क्रिया और पश्च क्रिया की दर एक दूसरे के बराबर होती है। तो साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर आप जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर होती है। आर एफ का मान क्या है? के एफ ए इंटू बी। आर बी का मान क्या है? के बी सी इंटू डी। तो यहाँ लिख दूँ मैं आर एफ की जगह लिख दूँ के एफ ए इंटू बी, और आर बी की जगह लिख दूँ मैं के बी सी इंटू डी, ए इंटू बी और सी इंटू डी। अच्छा, अब ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है। स्थिरांक के नीचे स्थिरांक लिया है, सांद्रता को एक तरफ ले लें, के एक तरफ आ जाए। तो के एफ के नीचे मैं के बी लिया हूँ, तो सी डी के नीचे ए बी चला जाएगा। तो के एफ अपॉन के बी बराबर C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। ये एक स्थिरांक है और ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है दोनों। किसी स्थिरांक में स्थिरांक का भाग देते हैं तो एक नया स्थिरांक आता है। तो उस नए स्थिरांक को मैं लिख दूं यहाँ पर साम्य स्थिरांक बोलेंगे उसको, साम्य स्थिरांक के बराबर सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, सी इंटू डी क्या है? उत्पाद, और ए इंटू बी क्या है? क्रियाकारक। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि उत्पाद की सांद्रता अपॉन
क्रिया कारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रिया कारक की सांद्रता। तो अब ये सारी राम कहानी आप बिल्कुल भूल सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कोई क्रिया देके और पूछेगा उसके साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होगा, साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो उत्पाद है उसको ऊपर लिख देना है, जो क्रिया कारक है उसको नीचे लिख देना है, बस वही सूत्र है। ये सिर्फ बताया कि आया कैसे है, बाकी अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। साम्य स्थिरांक निकालने के लिए उत्पाद को प्रोडक्ट ऊपर रखना है, रिएक्टेंट नीचे रखना है, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। तो सीधी सी बात समझ में आ गई आपके कि साम्य स्थिरांक निकालने के लिए उत्पाद को ऊपर रखना है, क्रिया कारक को नीचे रखना है, बस। ठीक है, अब ये के किसकी जगह रखा हमने, के एफ अपॉन के बी की जगह। तो यदि अग्र और फर्स्ट क्रिया के वेग नियतांक दे रखे हो तो के निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वो के एफ अपॉन के बी। इसका एक सूत्र ये भी हो सकता है के का, कि के बराबर के एफ अपॉन के बी, अग्र क्रिया का वेग नियतांक अपॉन फर्स्ट क्रिया का वेग नियतांक। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें ये तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, मुख्य 99% पूछेगा तो यही पूछेगा कि क्रिया दे दी उसके लिए साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होगा। उसके लिए साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होगा, उत्पाद को ऊपर रखो, क्रिया कारक को नीचे रखो, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अपन बताते हैं और एग्जांपल इसके, अब जो साम्य स्थिरांक है इसको दो रूपों में लिख सकते हैं हम, साम्य स्थिरांक को दो रूपों में लिखा जा सकता है। साम्य स्थिरांक को दो रूपों में लिखा जाता है, एक तो था सांद्रता साम्य स्थिरांक, और सांद्रता साम्य स्थिरांक को बोलते हैं केसी, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो वही कंडीशन, वही उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे, मतलब सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ये सांद्रता साम्य स्थिरांक होता है। दूसरा होता है हमारे पास दाब साम्य स्थिरांक, केपी। दाब में देखो, केसी में तो उनकी जो है उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे, दाब के लिए केपी के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये जो लिखे हैं उनके आगे सबके आगे पी लगा देना है, उन सबके आगे पी लगा देना है। जैसे पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी डी। तो केसी के लिए उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे, केपी के लिए क्या करना है, सिर्फ सबके आगे पी लगा दो, पी लगा दो। यहां पर ये क्या है, पी ए पी बी पी सी पी डी, ये ए बी सी डी के आंशिक दाब हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी, मतलब पी ए क्या है ए का आंशिक दाब, पी बी डी का आंशिक दाब, पी सी सी का आंशिक दाब और पी डी डी का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर है। और किसी का आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, जैसे ए का आंशिक दाब निकालना है, ए का आंशिक दाब पी ए, तो जिसका आंशिक दाब निकालते हैं उसके मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो जैसे ए का निकालना है तो ए के मोल अपॉन कुल मोल इनटू कुल दाब। तो ए के निकालना है ए के मोल बटे कुल मोल इनटू कुल दाब, मतलब जिसका आंशिक दाब निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल इनटू कुल दाब। ए के मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब, बी का निकालना तो बी के मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब, सी का निकालना तो सी के मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब,
डी का निकालना, तो डी के मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब। तो जिसका भी आंशिक दाब निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल इंटू कुल दाब। ठीक है, अब जैसे कोई क्रिया ऐसे होती है हमारे पास N1A प्लस N2B ये बना रही है M1C प्लस M2D, इसके लिए KP और KC के सूत्र अपने को बनाने हैं। ये आगे संख्या होती है, मोलों की संख्या है, तो आपको क्या करना है केपी केसी सूत्र में उत्पाद को ऊपर रखना है, क्रिया कारक को नीचे रखना है। जो आगे जो संख्या है वो संख्या घात पे चली जाती है। ठीक है, चलो जैसे इसके लिए केसी निकाले हम, उत्पाद कौन है सी और डी, तो सी इंटू डी अपॉन A इंटू बी। अच्छा C की घात क्या है यहाँ पर, C के आगे संख्या क्या है M1, D के आगे M2, इसके आगे N1 और इसके आगे N2। तो उत्पाद को रखना है ऊपर, क्रिया कारक को रखना है नीचे, आगे वाली संख्या चली जाती है घात पे, ये हो गया KC। इसी के लिए अपने को निकालना था KP, तो KP के लिए कुछ नहीं करना, बस सबके आगे P लगा देना है। तो जैसे PC की घात M1, PD की घात M2, PA की घात N1, PB की घात N2। अब जैसे कोई ज्ञात रिएक्शन होती है हमारे पास कि H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, इसके लिए KP और KC के सूत्र बनाने हमें, तो KC उत्पाद ऊपर, उत्पाद कौन है HI, तो HI रहेगा ऊपर, उसके आगे संख्या कितनी है 2, तो HI की घात 2 अपॉन नीचे H2 और I2, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है इसलिए घात को कुछ नहीं जाएगा, आगे जो संख्या वही घात पे जाती है। इसी चीज के लिए हम जैसे निकालना है हमें KP निकालना है, तो सबके आगे क्या लगाना है P, तो PHI घात 2 अपॉन PH2 इंटू PI2। तो इस तरीके से KP और KC के सूत्र अपन बना सकते हैं। क्या करना है, उत्पाद ऊपर, क्रिया कारक नीचे, आगे कोई संख्या है तो वो घात पे चली जाएगी, पावर पे जाएगी। जैसे अपने पास कोई क्रिया है कि N2 प्लस 3H2 ये बना रही है 2NH3, इसके लिए KP और KC का सूत्र अपने को बनाना है। तो KC उत्पाद ऊपर, क्रिया कारक नीचे, उत्पाद कौन है NH3, उसके आगे संख्या 2, संख्या घात पे अपॉन क्रिया कारक है N2, उसके आगे कोई संख्या नहीं है H2, के आगे 3 है घात पे 3, ये KC होगा। इसी के लिए यदि KP निकालना है तो सबके आगे P लगा देना है, तो PNH3 का स्क्वायर अपॉन PN2 PH2 की घात 3। जैसे कोई क्रिया अपने पास है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए KP KC बनाना है, तो KC बराबर क्या हुआ, उत्पाद ऊपर PCl3 इंटू Cl2, इनके आगे कोई संख्या नहीं तो घात पे कुछ नहीं जाएगा, अपॉन PCl5। अब इसी के लिए KP बनाना है, तो सबके आगे P लग जाएगा, PPCl3 PCl2 अपॉन PPCl5। इस तरीके से अपन KP और KC के सूत्र यहाँ पर अपन बना सकते हैं। अब एक चीज अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है
ठोस एवं द्रव पदार्थों को केसी एवं केपी के सूत्र में नहीं लिखा जाता है। ठोस एवं द्रव पदार्थों को केसी और केपी के सूत्र में नहीं लिखा जाता क्योंकि उनकी सांद्रता कितनी होती है, एक होती है, सक्रिय द्रव्यमान एक होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे के मतलब ठोस पर द्रव पदार्थ आ गया तो उसको केपी के सूत्र में नहीं लिखना है अपने को। जैसे सी प्लस ओ टू इक्वल्स टू सी ओ टू, ये कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, सी ओ टू गैस है, इसमें केपी के सी के सूत्र बनाने हैं। तो केसी क्या होगा, उत्पाद सी ओ टू अपॉन ओ टू क्रिया का। अब यहाँ कार्बन को नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बन क्या है, ठोस है, तो ठोस और द्रव को नहीं लिखना है, सिर्फ गैस को लिखना है। और वो लिखा रहेगा गैस ठोस द्रव, आपके पास समीकरण आएगा उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से के पी निकालना है तो सब क्या के पी लगा देंगे, तो पी सी ओ टू अपॉन पी ओ टू, ये के पी हो गया। तो ठोस और द्रव पदार्थों को के पी और के सी के सूत्र में नहीं लिखा जाता है। तो इतना एक बार इसको आप रिवाइज करेंगे, अगला अपन कल बताएंगे।